यहाँ पे ये भी कटिंग किया हुआ है, मतलब चूहा लोग कुतर दिए हैं इसको, और यहाँ भी कुतरा हुआ है, लेकिन इसको चालू कर रहे हैं तो पूरी सप्लाई देखिए फुल ग्लो हो रही है और ये बंद हो जा रही है। तो इसके पीछे शॉर्टिंग इसके अंदर है, और शॉर्टिंग दो वजह से हो सकती है। अगर जो मिस्टेक रहा हो इसके अंदर, यहाँ से सप्लाई नहीं बराबर बनी होगी, यह कम बेसी हुआ होगा वाइंडिंग शॉर्ट की वजह से, चाहे जैसे भी है, तो आईपीएम भी उड़ सकता है, कैपेसिटर और इसके अंदर आईजीबीटी लगी है वो भी। तो इस कंडीशन में हम कैपेसिटर चेक करेंगे और बाकी चेक करते हैं। तो कैसे चेक करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेन में यहाँ पे लाइन और तो यहाँ पे ही ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये शॉर्टिंग पहले ही स्टेज में है। यहाँ पे फुल्ली शॉर्ट, तो इसको खोल के हटा देते हैं क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं। और आईपीएम तो हम, चलिए इसको जो है डायोड को ओपन कर लेते हैं। सबसे सोचने वाली बात है कि इस तरफ शॉर्टिंग है, तो इस तरफ शॉर्टिंग होने का मतलब है ये वाले पॉइंट पे बाहरी की मेन पे। तो मेन कैपेसिटर देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो मेन कैपेसिटर पे शॉर्टिंग नहीं है, जब इधर नहीं होगी तो आईपीएम भी इधर भी कुछ नहीं रहेगा। उसके पीछे का कारण क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये रहेगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, ये हमारी एसी लाइन फिल्टर से होकर के इनपुट होती है, ठीक है, एसी लाइन, और हमारा ये प्लस सप्लाई ये बन गई और ये हमारा माइनस बना। तो ये आगे बढ़ करके हर जगह पे होकर के जाएगी ये सप्लाई, फिर इसके बाद रिएक्टर में चली जाती है, हमारा जो रिएक्टर होता है उसमें जाती है, ठीक है, और यहाँ से होकर के यहाँ पे हमारे दोनों कैपेसिटर लगे होते हैं बड़े वाले, ठीक है, दोनों हमारे बड़े वाले कैपेसिटर लगे हैं जिसपे 320 वोल्ट बनता है, हमारा 320 वोल्ट बनता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वो डायोड लगा रहता है जो ठीक है हमारा यहाँ पे वो लगा रहता है, डायोड लगा रहता है जो शॉर्ट की डायोड बोलते हैं या जो भी है जो अपना इस टाइप का रहता है, ठीक है, ये वाला। तो अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारी आईजीबीटी लगी है, यहाँ पे हमारी आईजीबीटी है ये वाली, ठीक है, ऐसे, और इस पे हमारी ड्राइव आती है माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए। तो अभी यहाँ पे हमारा ऐसे पूरा शॉर्ट बता रहा है ऐसे, तो हमारा इसका मतलब ये आईजीबीटी ख़राब है।
और ये ख़राब होने का कारण क्या हो सकता है कि इसमें इस पीसीबी में पहले E1 का एरर था। E1 का एरर एक सेंसर चूहा ने कटिंग कर दिया था, तो E1 का एरर सेंसर की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया होगा कि ये जो कॉयल है इसको बहुत जगह पे, बहुत वीडियो में आपने देखा होगा कि वो लोग बताते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, इसको आपस में जोड़ दो, ऐसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो आप ये बताइए कि जब भी ये संचरण करेगा तो जाएगा कहाँ से, इतना ज़्यादा इस पर अब ये रहता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, फिर रिवर्स होकर के आता है तो हमको PFC द्वारा वोल्टेज बढ़ाकर मिलता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये हो जाता है कि जब डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कहीं भी नहीं होगा और ये तुरंत करके शॉर्ट हो जाएगी। तो इस PCB में यही मिस्टेक कर दिया गया है, तो इसको हम बदल लेते हैं। निकाल दिया और इसको हम देख लेते हैं, तो अब भी शॉर्टिंग देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, और रिवर्स में देख लेते हैं तो यहाँ पे अभी गायब। तो ये आपका शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, IGBT शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल करके फिर इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये मैं ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, बाकी ये हो गया। अब IPM भी चेक कर लेते हैं साथ में। IPM चेक करने के लिए यहाँ पे चार नंबर पिन पे, इसके चार नंबर पिन पे फॉल्ट आउटपुट की सप्लाई आती है। IPM से संबंधित आपको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो भी आपको समस्या खड़ी होगी। और ये मेन चीज़ तो होता है कि मिलने के लिए तो सब मिलता है, समझने की सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे लिखा क्या है और उसका मतलब क्या है। और जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको मेन समस्या यही होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि उसका मतलब क्या है। अगर मतलब समझ में आ जाए तो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव है, तो देख लेते हैं। तो ठीक है, ये नेगेटिव हुआ। अब हमको यहाँ पे जो इसकी जो ये जो सप्लाई रहती है उसको यहाँ पे भी चेक किया जा सकता है, लेकिन ये जो डॉट डॉट दिखाई देता है ये उनके लिए रहता है जो कंपनी के टेक्नीशियन होते हैं, जो पेटेंट उनके पास ही रहने वाले रहते हैं, उनके लिए बना रहता है। उनको आसानी से ये मालूम हो जाता है कि हाँ हमको कहाँ कहाँ पे कैसे चेक करना है, क्योंकि उनको टिक पहले दे दी जाती है कि डॉट नंबर इतने पे जा करके सप्लाई चेक करना, डॉट नंबर इतने पे इतने पे। तो वो कंपनी वाले समझते हैं, हम अपने हिसाब से समझते हैं, वो कितना भी छुपा के रखें हम भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए तो सप्लाई पहले चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, 5 वोल्ट परफेक्ट है। तो 5 और 12 को भी देख लेते हैं, 12 किधर है, इधर ही होना चाहिए, यहाँ पे है। तो 12 वोल्ट भी सही है। अब 15 वोल्ट हमको देखना चाहिए, 15 वोल्ट किधर है, यहीं पे रहा ये भी। तो 15 वोल्ट भी सही है, 15 12 और 5। 15 IGBT को ड्राइव जो रहती है उसके लिए, 12 वोल्ट रिले को ऑपरेट करने के लिए, 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए। कहीं कहीं पे सप्लाई आपको मिलेगी 15 के बदले 12 भी रह सकती है, 18 भी रह सकती है।